हेलो फ्रेंड्स, यार जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कैट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएफटी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आप जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो कर रहे हो क्वांट सेक्शन में। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे बोला, सर एक डिटेल्ड वीडियो बना दो, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें क्वांट का एक एक टॉपिक आप डिस्कस कर लो, हमारा रिविजन हो जाए, कि एग्ज़ाम से पहले सिर्फ हम ये वीडियो देखें एंड हमारा भाई पूरा का पूरा ब्रशअप हो जाए। तो इस वीडियो में भाई आज लेके आए हूँ आपके लिए हर एक क्वांट का टॉपिक, बिल्कुल एडवांस से लेके बेसिक तक, एक एक टॉपिक, एक एक फॉर्मूला, जो जो ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट अबाउट योर कंप्लीट रिविजन। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, सो डेट आपका एक एक टॉपिक रिवाइज हो जाए। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हर एक टॉपिक के हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप डेली जीके अपडेट चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, सो डैट यू आर अपडेटेड अबाउट योर जीके प्रिपरेशन। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, तो फेसबुक पे हमारे ग्रुप आप लाइक कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक डायरेक्ट टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, एंड अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर हैं तो इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते रहना। सबसे पहले ये समझो, अगर मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, एंड अगर मेरे पास दूसरी इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। अब यहाँ पे अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो कैसे कंपेरिजन होगा, अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब जब मैं इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ये एक सिंगल पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मैं दूसरी बात करूं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। मतलब जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड थर्ड, अगर बात करूं ए वन अपॉन ए टू अगर आपका इक्वल आ गया बी वन अपॉन बी टू के, एंड ये आपका इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के, तो इस केस में देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, मतलब हर पॉइंट पे आप दोनों इंटरसेक्ट करेंगे लाइन से। ठीक है, तो ये आपको भाई बेसिक एक फंडा क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो हमें पता है भाई जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। तो जो आपका एक्स होता है इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ एप्सिसा, और वाई को मैं क्या बोलता हूँ, वाई को मैं बोलता हूँ ऑर्डिनेट। एंड अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो वो क्या होता है, हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, तो मान लो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, और आपको बोला ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वन वाई वन और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स टू वाई टू, एंड आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप भाई एक्स टू माइनस एक्स वन का रूट का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो ये आपका डिस्टेंस का तरीका है। तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद क्या होता है, मान लो आपको थ्री पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, आपको थ्री पॉइंट्स गिवन है, आपको ए पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, आपको बी पॉइंट गिवन है जिसका एक्स टू वाई टू, एंड देन सी आपका एक्स थ्री वाई थ्री। अब जब भी आपको तीन पॉइंट्स गिवन है तो कॉमन सेंस लगाओ, तीन पॉइंट से क्या क्या चीज हो सकती है, देर आर टू केसेस। एक तो केस होगा कि ट्राइंगल बनेगा तीनों पॉइंट से, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल हो जाएगी। एक होगा कि लाइन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब तीनों एक ही लाइन में है, तो अब मुझे कैसे पता चले कि भाई ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको तीन पॉइंट दिए हुए हैं तो आप ए बी प्लस बी सी निकालोगे, अगर ये इक्वल आ गया ए सी के तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये कोलिनियर है। ए बी निकालो कैसे, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर बात करूंगी वो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मान लो ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के नहीं आता तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल कौन सा वाला है, तीन तरह के ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, या फिर आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो इसमें अगर मैं चेक करूं कि कैसे पता चलेगा, तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो कॉमन सेंस लगाओ क्या होना चाहिए, भाई तीनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, तो ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विच विल बी इक्वल टू ए सी। अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो दो साइड इक्वल होंगी, तो मतलब ए बी विल बी इक्वल टू बी सी बट दैट वॉन्ट बी इक्वल टू ए सी। एंड अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वॉट,
शुड बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन हो गई तो मुझे पता चल जाएगा किस टाइप का वो ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल क्या, हमने ये तो पता चल गया कि क्या क्या होता है। अब अगर मुझे निकालना हो ट्राइंगल का एरिया क्या है तो वो कैसे निकलेगा। अगर मान लो ये मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल का मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है ए मान लो एक्स वन वाई वन, बी मुझे गिवन है एक्स टू वाई टू एंड सी मुझे गिवन है एक्स थ्री वाई थ्री। तो ये मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं और मुझसे बोला कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया लर्न करने का बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको। हाफ लिखना है, मॉड का साइन लगाना है एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू लिखा, प्लस का साइन लगाओ थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर वाई टू माइनस वाई थ्री लिखा, प्लस का साइन लगाओ थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर वाई थ्री माइनस वाई वन लिखा। अब आपको क्या करना है, जो एक्स प्रेजेंट नहीं है उस एक्स को मेंशन कर दो। मतलब यहाँ वाई वन वाई टू है तो यहाँ आ जाएगा एक्स थ्री, यहाँ वाई टू वाई थ्री है तो एक्स वन, यहाँ वाई थ्री वाई वन है तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स टू। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एरिया का फॉर्मूला। अब इसी ट्राइंगल में आपसे वो और भी चीजें पूछ सकता है, हो सकता है इस ट्राइंगल का आपसे वो बोले कि मुझे बताओ सेंट्रॉइड के वर्टेक्स क्या होंगे। तो अगर आपको इसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सेंट्रॉइड निकालने का बहुत आसान तरीका है। वो क्या है, आपको बस तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देना है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कर दोगे कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री कर दोगे। ये आपका क्या आ गया, सेंट्रॉइड के वर्टेक्स आ गए। एंड अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई इन सेंटर के वर्टेक्स बताओ, इन सेंटर के, तो इन सेंटर के कैसे निकलेंगे, ए के अपोजिट जो साइड होती है उसे हमने बोल दिया स्मॉल ए है, बी के अपोजिट जो साइड है स्मॉल बी हो गया, सी के अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल सी हो गया। तो अगर मुझे वर्टेक्स निकालने हैं इन सेंटर के तो वो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आपको पता चल गया। तो ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली यहाँ पे। अच्छा एक बात और समझो कि अगर आप कभी एरिया निकाल रहे हो, ठीक है, और ये एरिया जीरो आ गया, इफ एरिया इक्वल टू जीरो, तो आपको यहां से क्या चीज पता चलती है, अगर एरिया जीरो आ गया इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। भाई एरिया जीरो है इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब लाइन क्या है, कोलिनियर है। तो हमें पता चल गया कि सर अगर मुझे कभी कोलिनियर निकालना हो मैं दो तरह से निकाल सकता हूं, जैसे अभी मैंने पहले सीखा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए, या फिर मैं एरिया निकाल देता हूं, एरिया अगर जीरो आ गया तो भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्शनल फॉर्मूलाज। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, जब लाइन डिवाइड होती है तो क्या क्या फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिड पॉइंट की। तो अगर मुझे कभी मिड पॉइंट निकालना है, मतलब मुझे एक लाइन दे रखी है, ये लाइन है और मुझसे बोला ये ए है ये बी है और सी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो मुझे बताओ इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर एक्स वन के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मिडल पॉइंट पे होगा, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि इंटरनल डिवीजन हो। इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब हुआ कि एक लाइन आपको गिवन है ए बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है एक्स वन वाई वन और बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू एंड आपको किसी और पॉइंट पे डिवाइडेड है, मान लो यहाँ सी पे डिवाइडेड है और एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइडेड है और हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। इसमें थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है वो इस लाइन पे नहीं है, एक्सटर्नली लाई करता है, मतलब ये ए बी है और पॉइंट जो है सी वो यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू एंड ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये है एम इस टू एन, ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो उस केस में कैसे आप कैलकुलेट करोगे सी के कोऑर्डिनेट्स, तो सी इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा यहां पे क्या होगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको तीन टाइप के डिवीजन यहां पे बताए हैं। इसको समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। सो स्लोप का मतलब ये हो गया, ये अगर आपका ग्राफ है और आपने एक लाइन ड्रॉ करी तो ये जो एंगल बन रहा है
ये हम कहलाता है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्लोप को हम मेंशन करते हैं एम से, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो स्लोप निकालने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि एंगल से मैं निकाल सकता हूं, अगर मुझे थीटा गिवन है तो मैं निकाल सकता हूं एम इक्वल टू टेन थीटा। अगर मान लो मुझे थीटा नहीं गिवन और मुझे दो पॉइंट गिवन है, मतलब मुझे ए पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन और मुझे बी पॉइंट गिवन है एक्स टू वाई टू, और मुझसे बोला स्लोप ऑफ लाइन निकालो, तो स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप निकालने का तरीका होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर आपको दो लाइंस दो पॉइंट्स नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, आपको दे रखी इक्वेशन, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इस केस में आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। तो ये आपका स्लोप निकालने के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इन स्लोप से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है समझने की कोशिश करो। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, दोनों लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर है तो इस तरह से लाइन होंगी। तो अगर पैरेलल लाइंस है दो तो इसका मतलब ये हो गया जो दोनों लाइन का स्लोप है वो क्या होगा, वो हमेशा इक्वल होगा, तो एम वन विल बी इक्वल टू एम टू। एंड अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या होगा, एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अब आपको ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप का यूज करके इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो उसके एक दो तरीके समझते हैं क्या है। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन और आपको एक स्लोप गिवन है वो है एम, और आपसे बोला कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन मान लो आपको स्लोप नहीं गिवन, आपको टू पॉइंट्स गिवन है, आपको टू पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन और एक पॉइंट आपको गिवन है एक्स टू वाई टू, तो इक्वेशन क्या बनेगी। भाई इक्वेशन तो यही है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था 2 मिनट पहले कि स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, अगर टू पॉइंट्स होते हैं तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वही फंडा मैं यहां लगा दूंगा, मैंने कहा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और जब हम इसकी इक्वेशन फर्दर लिखेंगे वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो पहले आप स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालने के बाद आप ये सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कुछ कुछ चीजों को फाइंड करने का। फाइंड करने का मतलब सबसे पहला हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है, तो दो लाइंस ये है, इस लाइन का स्लोप है एम टू और इस लाइन का स्लोप है एम टू वन, और आपसे बोला स्लोप निकालो, तो दोनों लाइन का हमें एंगल निकालना है और स्लोप हमें पता है एम वन एम टू। तो उस केस में टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, और किस में होगा ये, मॉड में होगा, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया है, टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अब जो इसमें दूसरा केस आता है कुछ और फाइंड करने का, वो है हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हुआ, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है पी, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स वन वाई वन, ठीक है, और आपने एक लाइन ड्रॉ करी यहां पे और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड आपसे बोला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये निकालो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और आपसे मैं बोलूं हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस आपको गिवन है, मतलब एक लाइन आपको ये गिवन है, एक लाइन आपको ये गिवन है, ठीक है, इस लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एंड इस लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, एंड आपसे मैंने बोला कि मुझे ये डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, वो क्या है, वो है सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किस में आएगा, ये आएगा मॉड में, ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको लास्ट चीज समझनी है वो है सर्कल, ठीक है। सर्कल का क्या फंडा होता है समझते हैं। मान लो आपको एक ग्राफ बना रखा है ये, ठीक है, यहाँ पे आपने सर्कल को प्लॉट कर दिया, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इसका सेंटर क्या होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, ये समझते हैं। तो सर्कल का जो सेंटर होता है
उसे हम लिखते हैं एच कॉमा के, ठीक है, और रेडियस जो है वो क्या है, वो है आर। अब सर्कल की मेजरली आपकी दो इक्वेशन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक होती है जनरल इक्वेशन, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये आपकी क्या है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब एक बात कॉमन सेंस लगाओ, अगर मान लो सर्कल का ओरिजिन 0,0 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज 0,0 तो उस केस में एच और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच और के की वैल्यू 0,0 हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन कैसे रह जाएगी, इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में मुझे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको क्या चीज समझ जानी है, आपको ये समझ जाना है जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो क्या है, 0,0, ठीक है। अब ये तो बात करी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन की, अब मैं बात करता हूं सर्कल की जनरल इक्वेशन की। तो जनरल इक्वेशन की अगर सर्कल की बात करूं तो वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस केस में आपका सेंटर क्या होता है सर्कल का, सेंटर आपका होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड अगर आपको रेडियस निकालना हो वो क्या होता है, वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हो तो सेंटर है आपका एच कॉमा के और रेडियस आर है, जब जनरल इक्वेशन लेते हो तो सेंटर है माइनस जी कॉमा एफ, और आर निकालने का तरीका हमने यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने पूरे पूरे नोट्स बना लिए हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपना क्लियर करते रहना, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है नंबर सिस्टम में, ये देखो, मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर है आपका 120, ठीक है, 120 आपको नंबर दिया हुआ है, और इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका यहां पर निकल सकता है वो निकल सकता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कितना होगा। देन फोर्थ आ सकता है कितने फैक्टर्स इसमें से ऐसे होंगे विच आर ऑड, फैक्टर्स विच आर ऑड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर्स विच आर इवन, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका तो ये है कि सर ये 120 है, इस 120 को आप पूरा का पूरा ओपन कर लो एंड सारे के सारे आंसर आप काउंट करके लिख दो। लेकिन भाई एग्जाम में अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसे आप प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख के लिख सकते हो। तो एन को आप कैसे लिखोगे, ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाय बी की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय सी की पावर आर, ठीक है। तो 120 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। अब देखो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कभी भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो आपका सिंपल सा फंडा होता है पी प्लस 1 क्यू प्लस 1 आर प्लस 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 2 की जो पावर है, 2 की पावर क्या है 3 है, 3 में प्लस 1 कर दो 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है इसमें प्लस 1 कर दो 2, 5 की पावर 1 है इसमें प्लस 1 कर दो 2 हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने होंगे, 16 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स की, 120 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका सम क्या होगा, तो सम कैसे निकालूंगा, जितनी भी पावर है 2 की वहां तक ओपन कर दो। मतलब 2 की पावर 3 है ना, तो ये लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 क्योंकि 3 की पावर 1 तक है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 तक है तो 5 की पावर 1 तक ओपन कर दो, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 360 इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना बड़ा सिंपल सा तरीका, जो नंबर है उसकी पावर क्या लिख दो, पावर लिख दो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो मतलब अगर आप देखोगे 120 तो 120 यहां पे आ गया, टोटल फैक्टर्स कितने हैं 16, 16 डिवाइड बाय 2 तो मेरा आंसर क्या हो गया, 120 की पावर 8 जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड फैक्टर्स की। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे,
ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जिसमें टू नहीं आ रहा, मतलब जो इवन नहीं है, तो 120 को अगर आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइज, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। आपने कहा मुझे ऑड नंबर निकालने हैं, तो ऑड निकालने हैं तो आप 2 को इग्नोर कर दो भाई। मैं कहूंगा मुझे ऑड वाले चाहिए सिर्फ, मैं 2 को नहीं लूंगा। 2 को नहीं लूंगा तो मैं 3 और 5 को सॉल्व कर देता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेता हूं, जैसे मैंने यहां निकाला था। तो 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस कर दोगे तो 2, प्लस 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस कर दोगे तो 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो ऑड फैक्टर्स होंगे। इवन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे ऑड फैक्टर्स को। तो टोटल कितने हैं, टोटल आपके 16, ऑड फैक्टर थे 4, तो क्या आ गया आंसर 12। तो 12 इज द इवन फैक्टर्स ऑफ 120। तो ये आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम में आता है हाइएस्ट पावर। ठीक है, हाइएस्ट पावर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, हाइएस्ट पावर निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपको दे रखा है एक नंबर 100 फैक्टोरियल, और आपको बोला है इस 100 फैक्टोरियल में व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, 2 की मैक्सिमम पावर इसमें क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, आपको जब भी किसी के हाइएस्ट पावर निकालनी है, आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। 100 फैक्टोरियल को आप डिवाइड करो 2 से, क्वेश्चन क्या आया 50 आया, 50 को डिवाइड करो 2 से, 25 आया, 25 को डिवाइड करो 2 से, तो 25 को डिवाइड करोगे 2 से तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, मतलब 12 आएगा, 12 को डिवाइड करा 2 से तो 6, 6 को डिवाइड करा 2 से तो 3, 3 को डिवाइड करा 2 से तो 1, तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक लास्ट में ये नॉन डिविजिबल हो जाए। इन सबको प्लस कर दो, इन सबको जब आप प्लस कर दोगे दिस इज द हाइएस्ट पावर ऑफ 2। तो 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इनको जब आप प्लस करोगे तो 97। तो 2 की पावर 97 इज द हाइएस्ट पावर जो 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। मान लो क्वेश्चन कह रहा है 100 फैक्टोरियल को बताओ 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, व्हाट विल द मैक्सिमम पावर ऑफ 3। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 100 फैक्टोरियल अपॉन 3 करना है। क्वेश्चन क्या है, 33 को आपने 3 से डिवाइड करा 11 आ गया, 11 को 3 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। आपको इन वैल्यूज को प्लस कर देना है, तो 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, ये आपका हो गया 48। तो 3 की पावर 48 इज द हाइएस्ट पावर इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी से आपका जो अगला क्वेश्चन निकलता है वो निकलता है ट्रेलिंग जीरोस का। ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है कितने जीरो एंड में लगेंगे। ठीक है, अब अगर आपको जीरो लगाने मतलब 10 होना चाहिए, 8 10 बनाने के लिए आपको 5 × 2 चाहिए, तब आपका एक जीरो लगेगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कितने टूज आ रहे हैं, कितने फाइव्स आ रहे हैं, फिर कितने पेयर बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप एक चीज ध्यान रखना, किसी भी फैक्टोरियल में, किसी भी एन फैक्टोरियल में द पावर ऑफ 5 विल बी लेस देन पावर ऑफ 2। भाई 2 जो है छोटा नंबर है तो ज्यादा बार आएगा, 5 आपका बड़ा नंबर है तो कम बार आएगा, और जो कम बार आएगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ, अगर आपको दे रखा है 100 फैक्टोरियल, आपसे बोला है ट्रेलिंग जीरो बताओ, ये आप बताओ कितने जीरोस एंड में होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको बस डिवाइड करना है 5 से एंड फर्दर सॉल्व कर देना है। जैसे 5 की हाईएस्ट पावर निकालते हैं वैसे ही ट्रेलिंग जीरो भी निकलेगा। तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी 24। मान लो आपसे बोला भाई 200 फैक्टोरियल है, बताओ कितनी ट्रेलिंग जीरोस होंगी, तो 5 से डिवाइड करा तो क्या आया, 40 आया, 40 को 5 से डिवाइड करा तो क्या आया, 8 आया, 8 को 5 से डिवाइड करा तो क्या आया, 1 आया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 49। तो 49 ट्रेलिंग जीरोस विल बी देयर। तो इस तरह से आपको एक ट्रेलिंग जीरो के कॉन्सेप्ट को समझना है एंड इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझते हैं एक एक करके। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई नंबर इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता, यह मुझे कैसे पता चलेगा। एक तरीका तो यह है कि पूरा डिवाइड करके देख लो, लेकिन भाई एग्जाम में पूरा डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो पूरा डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा सबसे पहले सर आप बताओ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है। भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल जब मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हमें यह पता है सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होती है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब अगर आप बात करो 4 की, तो 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की 2 डिजिट देख लो अगर डिवाइड हो रही है तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर 8 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो लास्ट की 3 डिजिट सर अगर आपकी 8 से डिवाइड हो रही है तो नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा। तो यहां से मैं क्या पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं कि 2 की पावर 1 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है
तो लास्ट डिजिट, 2 की पावर 2 का चेक करना है मतलब 4 का चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 का चेक करना है तो लास्ट की 3 डिजिट, इसका मतलब 2 की पावर 4 का चेक करना होगा मतलब 16 का चेक करना होगा तो लास्ट की 4 डिजिट, अगर आपको 2 की पावर 5 का चेक करना होगा तो लास्ट की 5 डिजिट मतलब 32 का डिजिट रूल आपको पता चल गया है। तो इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 की जो भी पावर होगी तो जितनी पावर 2 की है उतनी लास्ट की डिजिट आप चेक कर लो, अगर वो डिवाइड होती है तो नंबर आपका डिवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं 3 की, 3 और 9 की क्या होती है, 3 और 9 का डिजिट रूल की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट करना है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, एंड अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहां से आपकी एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, ध्यान से समझना। अगर मान लो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आप क्या करोगे, इन एक एक का प्लस करोगे, तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 ये करोगे, अगर ये डिवाइड हो गया तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने कहा क्या मैं इससे 99 का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकता हूं, डेफिनेटली निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, जब मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया था तो मैंने क्या कहा था, मैंने एक एक डिजिट को प्लस किया था, अब मुझे 99 है, यहां पे 2 9 है तो दो दो को प्लस कर दो, मतलब अगर मेरे पास यही नंबर है बिल्कुल सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा स्टार्ट करेंगे लास्ट से, तो इन दो को प्लस कर दो, 89 प्लस 67 प्लस 45 प्लस 23, एंड इसको आप 01 मान लो, एंड इनको प्लस कर दो, अगर ये प्लस करके 99 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 99 से डिवाइड होगा। अगर मान लो आपको 999 का चेक करना है तो कितने 9 है यहाँ पे, 3 9 है ना, तो अब आप 3 3 के पेयर ले लो, तो मतलब 7 8 9 प्लस 4 5 6 प्लस 1 2 3, अगर इनका सम 999 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 999 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात समझते हैं कि डिविजिबल टू रूल ऑफ 7 11 एंड 13 अगर मुझे देखना हो तो कैसे देखूंगा। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, वो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो नंबर आपको दिया हुआ है कुछ भी 7 8 2 5 1 7 8 9, तो अगर आपको ये नंबर दिया हुआ है एंड आपको चेक करना है ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव डिजिट का सम करना है एंड उसको माइनस कर देना है बाकी जो डिजिट्स है, मतलब आप 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 इनको प्लस करोगे, 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8, एंड इसको माइनस कर दोगे जो ये वाले डिजिट्स है, मतलब 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी भी डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे है 1 3 5 7, उसमें से आप माइनस कर दोगे जो भी इवन प्लेसेस पे 2 4 6 8, तो अगर ये माइनस करके 0 आ गया या मल्टीपल ऑफ 11 आ गया तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 प्लस 8 29 आ गया, 21 में से हमने माइनस करा क्या, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 प्लस 7 18, हमने ये माइनस करा तो हमारे रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे रिमाइंडर आ गया 11, तो 11 आ गया और 11 आपका मल्टीपल ऑफ 11 है, इसका मतलब ये नंबर जो है आपका डिवाइड होगा किससे, 11 से, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मुझे चेक करना है 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको सेम अप्रोच लगानी है लेकिन यहां पे पेयर लेना है 3 3 का, मतलब अगर आपको नंबर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 7 8 2 5 6 7 8 9 2, तो अगर आपको यहां पे चेक करना है कि 7 से डिवाइड हो रहा है या 13 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको 3 3 का पेयर लेना है, ये 3 का पेयर फिर ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, तो आपको कैसे चेक करना है, 892 प्लस 782 माइनस कर दोगे किसको, 566 को, तो ऑड वाले पेयर्स माइनस इवन वाले पेयर्स आपको कर देने हैं। सेम रूल है, अगर ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 से या 13 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 7 या 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप साइक्लिसिटी को यूज करो, लेकिन मैं साइक्लिसिटी ना बता के आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं जिससे आप किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट सिर्फ क्वेश्चन देख के बता सकते हो, ठीक है। क्या शॉर्टकट है, देखो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मेरे पास सारी की सारी डिजिट्स हैं। मैंने कहा कि इनकी यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा, तो एक चीज ध्यान रखो 0 1 5 और 6 इस नंबर की पावर कुछ भी हो, इनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो नंबर है 21, इसकी पावर है 123, तो 1 की, भाई हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है ना,
अगर कोई नंबर वन से एंड हो रहा है उसकी पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट वन ही होगी। मान लो नंबर है 5, 5 की पावर मैंने बोल दिया, बताओ 100 क्या होगा आंसर, तो 5 ही होगा। अगर मान लो नंबर है 36 और इसकी पावर है 123 तो आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। तो अगर कोई भी नंबर 0, 1, 5 या 6 से एंड हो रहा है और उसकी दुनिया की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट वही डिजिट होगी। बाकी डिजिट में क्या करेंगे सर, बाकी डिजिट्स में आपको जो पावर दे रखी है उसे आप डिवाइड करोगे 4 से एंड अपना आंसर सॉल्व कर दोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो 2 की पावर 83 है, मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो 2 आ गया, तो आपको क्या करना है पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। तो 2 की पावर 83 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 विल बी द यूनिट डिजिट। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर, या फिर मान लो 23 की पावर 123 है, आपसे मैंने बोला बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपने कहा पावर को किससे डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 23 की पावर 123 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3 का, तो 23 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो 7 विल बी द यूनिट डिजिट। अगर ऐसा हो जाए कि आपने पावर को डिवाइड करा एंड रिमाइंडर आपका 0 आ गया, मतलब 2 की पावर 84 है, तो 2 की पावर 84 है, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, तो आप 2 की पावर 0 नहीं सॉल्व करोगे, आप इसमें 4 ऐड कर दोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, 6 इज द यूनिट डिजिट। मान लो आपको मैंने कहा 3 की पावर 40 है, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपने कहा 3 की पावर 40 है, 44 से पूरा डिवाइड होता है, तो हम 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो 1 विल बी द यूनिट डिजिट। तो इस तरह से आप दुनिया में किसी भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट को 2 मिनट में निकाल सकते हो। क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है। इसके बाद आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, वो कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। अब प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, वो दो चीजें क्या पता होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्विन प्राइम का और एक कॉन्सेप्ट होता है को प्राइम का। तो ट्विन प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है समझो। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम होता है पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज टू, मतलब ऐसे दो लगातार प्राइम नंबर जिन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है उन दोनों प्राइम नंबर को मैं क्या बोलूंगा, ट्विन प्राइम। जैसे कि 17 और 19, जैसे कि 41 43, या फिर 71 73, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस अगर 2 का आ गया तो उन दोनों प्राइम नंबर को एक साथ मैं क्या बोलता हूं, ट्विन प्राइम। अब मैं बात कर रहा हूं को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ऐसा होता है दो ऐसे नंबर जिन दोनों का HCF 1 है, मतलब दो ऐसे नंबर जिन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जरूरी नहीं है वो दोनों नंबर प्राइम हो, उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब आप 4 और 9 देखो, 4 और 9 देखोगे तो 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है, बट 4 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 और 9 आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए, ठीक है। मान लो नंबर है 9 और 10, 9 और 10 दोनों कॉम्पोजिट है बट इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों को प्राइम हो गए, ठीक है। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अगर मान लो मुझे प्राइम नंबर की बात करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब भी हम प्राइम नंबर को एज्यूम करते हैं तो वो हम एज्यूम करते हैं 6k ± 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर जो है वो आप 6k ± 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, देर आर 15 प्राइम नंबर्स। अगर मैं बोलूं 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, देर आर 25 प्राइम नंबर्स। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, देर आर 46 प्राइम नंबर्स। एंड अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, देर आर 168 प्राइम नंबर्स। तो ये आप एक नंबर याद कर लेना, आपको इससे हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर मैं चेक कैसे करूं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो मान लो आपको एक नंबर मैंने दे दिया 191, मैंने कहा बताओ ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लेना है। तो आपने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लिया किसका, 191 का। तो 191 का जब आपने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लिया, दिस इज समवेयर अराउंड इक्वल टू 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब आपको क्या करना है, जो आपने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लिया है उसके पहले के सारे प्राइम नंबर लिख लो। तो 14 के पहले कितने प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर ये नंबर 191 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है, अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम है। मतलब 191 क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 3 से होता है, नहीं होता। 5 से होता है, नहीं होता। 7 से भी नहीं होता एंड 11 और 13 से भी डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब 191
इज ए प्राइम नंबर। तो अगर आपने ये चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है अप्रोक्सीमेट, उसके पहले के सारे प्राइम नंबर लिख लेने, अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो नंबर प्राइम नंबर आपका नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है सर रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है, तो वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिमाइंडर थ्योरम की, तो सबसे पहले आपको उसमें पता होना चाहिए क्या फर्मेट थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं मेन कुछ थ्योरम बता रहा हूं जिसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज रिमाइंडर थ्योरम में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम की अगर हम सबसे पहले बात करें, तो फर्मेट थ्योरम क्या कहता है, फर्मेट थ्योरम कहता है ए की पावर पी माइनस वन अपॉन पी अगर आप करोगे तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा वन होगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड पी जो है वो क्या है, पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए एंड पी आर को प्राइम इन नेचर। को प्राइम मतलब ए और पी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 31 की पावर 63 है और आपको इसे डिवाइड करना है किससे, 63 से, तो 63 से डिवाइड करना है आपको, मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या p मेरा प्राइम नंबर है, क्या 63 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो यहां पर अप्रोच नहीं लग सकती। ठीक है, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि 32 की पावर 42 है एंड आपको डिवाइड करना है 43 से, तो क्या 43 प्राइम है, हाँ एब्सोल्युटली प्राइम है। क्या 32 और 43 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। तो अब आपको यह पता चल गया अगर a की पावर p माइनस वन अपॉन p है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया। मान लो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 2 की पावर 85 है, डिवाइड करो इसे 83 से और रिमाइंडर बताओ, भाई मुझे पता है 83 जो है वो प्राइम नंबर है और मुझे साथ में ये भी पता है कि 83 से एक नंबर कम अगर ऊपर होता पावर में तो उनका रिमाइंडर क्या होता, 1 होता। तो मैंने कहा इसको लिख दो 2 की पावर 82 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 अपॉन 83। अब आपको यह पता है अकॉर्डिंग टू फर्मेट थ्योरम 2 की पावर 82 डिवाइड बाय 83 इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 8 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्मेट थ्योरम का यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक जो थ्योरम पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए विल्सन थ्योरम। ठीक है, विल्सन थ्योरम क्या कहती है, विल्सन थ्योरम आपका यह कहती है कि p माइनस वन फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हो p से तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, p माइनस वन। कंडीशन वही है कि p जो है आपका क्या होना चाहिए, p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगर इसका हम एक एग्जांपल लेके देखें, तो मान लो मैंने आपसे कहा कि 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 करो, तो आपने कहा 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 है, अगर मुझे फैक्टोरियल कभी दिया होता तो मैं विल्सन थ्योरम का यूज करता हूं, तो 16 फैक्टोरियल अगर अपॉन डिवाइड करूंगा 17 से तो सर मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा पी माइनस वन, पी माइनस वन मतलब 17 माइनस वन, द रिमाइंडर विल बी 16। बात क्लियर हुई? ठीक है, इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए भाई, डिवीजन के केस में ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होता है ये, बाय ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी से डिवाइड होता है वेयर एन इज अ ऑड नंबर। ठीक है, फिर आपको सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी वेयर एन इज इवन नंबर। एंड थर्ड जो आपको प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी इरिस्पेक्टिव ऑफ एन बोथ ऑड एंड इवन दोनों के लिए। अगर एक एक एग्जांपल लेके देखें तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, मान लो आपको मैंने दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 15 की पावर 21 प्लस 10 की पावर 21। ठीक है, अब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, क्योंकि भाई n जो है वो ऑड नंबर है, 21 इज ऑड नंबर, तो इट विल ऑलवेज डिविजिबल बाय a plus b से ऑलवेज डिविजिबल होगा, मतलब ये 25 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। या फिर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 15 की पावर 20 माइनस 10 की पावर 20,
अब अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है तो मेरे यहां से दो चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज तो ये निकल के आती है एन इवन नंबर है तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा किससे, ए प्लस बी से, मतलब 15 + 10 = 25 से। एंड साथ में ए एन की पावर बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल ए माइनस बी, मतलब 15 - 5 = 5 से भी ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी एंड काफी सारे क्वेश्चन आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम हमारा पार्ट है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपके कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते कब है, उसके लिए हमारे सामने पांच टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पांचों में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, फिर इनको समझते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपके सामने फाइव टाइप्स के क्वेश्चन है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि कैसे पता चलेगा सर किस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है, किस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। तो उसको मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूं। अगर क्वेश्चन कह रहा है आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हम उन क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर निकालना है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, यहां पर लिखा हुआ डिवाइड, तो जब डिवाइड लिखा होता है तो एचसीएफ, एंड जब डिवाइडेड बाय होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या टाइप का क्वेश्चन है। आपसे बोला ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो ए बी सी को डिवाइड करे तो एक्स वाई जेड का रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर बचे, तो आपको उस केस में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ए माइनस एक्स बी माइनस वाई और सी माइनस जेड का, इसको लिख लो। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी को डिवाइड करा है तीनों में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए एक्स, तो भी हम यही बात करेंगे, यहां पर एक्स वाई जेड की जगह एक्स 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 आ जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स। तीसरा आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड ए बी सी लीव द सेम रिमाइंडर, कितना भी रिमाइंडर हो हमें नहीं दे रखा लेकिन बराबर रिमाइंडर होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड ए माइनस सी। उसके बाद एलसीएम के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आप एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको आप ए से डिवाइड करो तो एक्स का रिमाइंडर बचे, बी से डिवाइड करो तो वाई का रिमाइंडर बचे, एंड सी से डिवाइड करो तो जेड का रिमाइंडर बचे। तो उस केस में आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप ए माइनस एक्स बी माइनस वाई और सी माइनस जेड निकाल लोगे, ये हमेशा डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू बी माइनस वेल बी माइनस वाई एंड विल बी इक्वल टू सी माइनस जेड। अगर इक्वल नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको फिर क्या करना है, के की वैल्यू निकाली, देन आपने ए बी सी का एलसीएम निकाला एंड उसमें से के को माइनस कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी से आपने डिवाइड करा एंड तीनों में सेम रिमाइंडर बच रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है ए बी सी का और उसमें प्लस कर देना है एक्स, दैट्स इट। तो दीज आर द फाइव काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएम, तो अगर दो नंबर है उनको दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के वो बराबर होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वो है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझनी है, अगेन भाई ये एक फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट चैप्टर है, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर एक इमेज का एक वॉल्यूम होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर आप बोल सकते हो लेटरल सर्फेस एरिया होता है, एंड एक उसका टोटल सर्फेस एरिया होता है जिसे हम बोलते थे टीएसए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं क्यूब की, तो क्यूब की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4a² एंड इसका टोटल सरफेस एरिया 6a². एंड अगर मैं बोलूं क्यूब की डायगोनल क्या होती है, तो क्यूब की अगर आपको डायगोनल निकालनी है तो दैट इज व्हाट, दैट इज a√3, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2hl + b, एंड इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2lb + bs + hl, ठीक है। एंड अगर मैं डायगोनल ऑफ क्यूब क्यूबॉइड की बात करूं तो इसकी डायगोनल कैसे निकालोगे, डायगोनल निकालोगे l² + b² + h². अब ये डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज कहां होता है ये समझो, आप देखना बहुत बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक आपका रूम है, उसकी आपको डायमेंशन दे रखी है हाइट लेंथ और ब्रेथ, और आपसे बोला बताओ इस रूम में लॉन्गेस्ट रॉड कितनी आ सकती है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, तो लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द डायगोनल। या फिर क्वेश्चन ये कहता है कि भाई एक आपका रूम है, रूम के एकदम रूफ के टॉप पे एक फ्लाई है, ठीक है, और उस फ्लाई को भाई दूसरे कोने में पहुंचना है डायगोनली, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल होगा। तो इस तरह से डायगोनल का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आता है लेकिन एप्लीकेशन बेस, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, वो है सिलेंडर,
ठीक है। तो सिलेंडर के अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके अगर हम सीएसए की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। एंड अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है। अच्छा, सिलेंडर से रिलेटेड आपका होता है कोन। कोन का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका अगर आप कर्व सरफेस एरिया देखोगे दैट इज पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट। तो एल निकालते कैसे हैं, एल हम निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम। एंड अगर हम देखें इसका टोटल सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस आर। अब अगर आप सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो 1/3 है। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है, इस सिलेंड्रिकल बाउल में आपने भाई एक कोन रखा हुआ है एंड इस कोन का जो वॉल्यूम है वो 20 है, तो बताओ ये जो बाकी एरिया है इसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो आप यह कॉमन सेंस लगाओ कि अगर सिलेंडर है और इसका कोन का वॉल्यूम 1/3 है तो इसका मतलब एक सिलेंडर में 3 इक्वल कोन आ सकते हैं, तभी तो वॉल्यूम 1/3 है। तो अगर इसका मतलब एक कोन का वॉल्यूम यहाँ 20 है तो जो बाकी स्पेस होगा उसमें 2 कोन के बराबर, मतलब यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, टोटल 40 स्क्वायर यूनिट या 40 यूनिट ऑफ वाटर आ सकता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला रटना नहीं है, उसे समझना है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम होता है जो आपने एक कोन को ऊपर से कट कर दिया, तो ऊपर से कट कर दिया तो वो फ्रस्टम कुछ इस तरह का आपका दिखेगा। ठीक है। अब इसमें आपका ये जो होता है दिस इज आर वन, दिस इज योर आर टू एंड दिस इज योर स्लांट हाइट विच इज एल। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसका वॉल्यूम क्या होता है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला वैसा ही है जैसा कोन का है, तो 1/3 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, एच सेम रहेगा। यहाँ पे क्योंकि 2 आर है तो हम ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अगर आप इसका देखोगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे इस कोन का होता है वैसे इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई सेम रहेगा, एल सेम रहेगा और ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू क्योंकि 2 आर है। अच्छा, एल कैसे निकालेंगे, एल निकालने का सिंपल सा हमें तरीका पता है, आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अगर टोटल सर्फेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, वो होता है आपका पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फिगर बनती है वो आपकी बनती है स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर फिगर बनती है और उसके साथ ही आपकी फिगर बनती है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या हो गया भाई, स्फीयर जो होता है वो इस तरह का दिखता है, हेमिस्फीयर जो आपका हो गया वो इस तरह का दिखता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्फीयर के वॉल्यूम की तो वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड अगर मैं बात करूँ इसके कर्व सरफेस एरिया की तो 4 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया भी सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की तो हेमिस्फीयर बिल्कुल आधा होता है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम हाफ हो गया तो 2 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया हाफ हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो है वो हाफ नहीं होगा, वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर एंड ये जो अलग से ऊपर बाउल एड हो गया, ये जो होल है इसका अपना एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपके सामने दो हैं लेकिन इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक आपका प्रिज्म और एक आपका पिरामिड। तो प्रिज्म की बात करूं तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा प्रिज्म, ठीक है, कुछ इस तरह का कुछ होता है। ठीक है। एंड अगर हम पिरामिड की बात करें तो वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। तो अगर हम देखें इनके वॉल्यूम क्या होता है, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एंड अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस। ये आपको प्रोवाइडेड होगा, दो बार बेस इसलिए लिया क्योंकि एक बारी बेस यहां पे एक बारी ये रहा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पिरामिड देखूं तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया देखें तो वो क्या होता है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। एंड इसके बाद अगर मैं देखूं टोटल सरफेस एरिया तो वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि इसमें भाई एक ही बेस होता है, सिर्फ नीचे नीचे ऊपर बेस नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो हमने सारे फॉर्मूले पढ़े किसके फॉर्मूले पढ़े, मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है
तो इसमें आप स्कोर आराम से कर सकते हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एपी जीपी एंड एचपी। भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा भाई डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तीन तरह की सीरीज होती है, एक होती है मेरे पास एपी, एक होती है मेरे पास जीपी और एक होती है मेरे पास एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जीपी वो होती है जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, एंड एचपी वो होता है जिसकी अगर आप रेसिप्रोकल कर दो सारी टर्म्स तो वो एपी में बन जाती है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको समझाता हूं। अगर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, ठीक है, डी इक्वल टू आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, एंड मैंने कहा टी एन, टी एन क्या है आपकी एनथ टर्म है, तो यहां पे आप टी एन निकालोगे कैसे, एनथ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड अगर मैं आपसे बोलूं एस एन सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालना है, वो कैसे निकालोगे, तो दैट इज एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं जीपी की बात करूं तो अगर ए इसकी फर्स्ट टर्म है, मैंने कहा ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एंड इसके बाद मैंने कहा आर, आर क्या है, आर आपका कॉमन कॉमन रेशियो है, ठीक है, एंड इसके बाद मैंने कहा टी एन जो है वो एनए टर्म है, तो एनए टर्म कैसे निकलती है, ए आर एन माइनस वन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एस एन की, भाई एस एन कैसे निकलता है, सम, तो सम निकलता है ए आर माइनस वन, ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर अगर आर जो है वो ग्रेटर देन वन है, अगर रेशो ग्रेटर देन वन है। दो तरीके से सम निकलता है, अगर मान लो जो कॉमन रेशो है वो लेस देन वन है, लेस देन वन का मतलब क्या हो गया, लेस देन वन का मतलब हो गया कि एक डिक्रीजिंग जीपी है, तो उसमें आपका सम का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम रहता है, बस रिवर्स कर दो, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। अगर बात करें एचपी की, तो एचपी में आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एनए टर्म कैसे निकलता है, एनए टर्म निकलता है वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन बाई डी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी है, ठीक है। अब इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको नेक्स्ट चीज समझनी है, एजम्पशन ऑफ टर्म्स। अगर मुझे टर्म्स एज्यूम करनी है तो क्या चीज दिमाग में रखनी है कि मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अगर मान लो एपी की बात करूं, ठीक है, तो एपी में अगर आपको थ्री टर्म्स एज्यूम करनी है, तो एक तो तरीका यह है कि आप एज्यूम कर लो ए, फिर आप एज्यूम कर लो ए प्लस डी, फिर एज्यूम कर लो ए प्लस टू डी। बट इसको एज्यूम करोगे तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर सम या मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी या क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। इससे बेटर यह है कि आप तीन टर्म्स क्या मान लो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे तो डी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको फोर टर्म्स एज्यूम करनी है एपी में, तो फोर टर्म्स एज्यूम करनी है तो ऐसे एज्यूम करो कि सब कैंसिल आउट हो जाए, तो ए माइनस थ्री डी, नेक्स्ट टर्म ए माइनस डी, उसके नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, एंड उसके नेक्स्ट टर्म ए प्लस थ्री डी। अगर आपको फाइव टर्म्स एज्यूम करनी है, तो फाइव टर्म्स एज्यूम करनी है तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं जीपी की, तो जीपी में आप क्या एज्यूम करोगे ये समझो। तो थ्री टर्म्स की अगर मैं बात करूं, तो जीपी में थ्री टर्म्स ए बाय आर, ए और ए आर, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फोर टर्म्स की बात करो, तो फोर टर्म्स आप क्या एज्यूम कर सकते हो, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। एंड अगर हम बात करें फाइव टर्म्स की, तो फाइव टर्म्स अगर आपको करनी है तो ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो ये आपकी टर्म्स हो गई, एंड ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ बात करूं, इसी में तो आपके सामने तीन कॉन्सेप्ट आता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो अगर आपको ए एम, जी एम और हार्मोनिक मीन निकालना है, तो क्या क्या हमें कंडीशन समझनी है। तो अगर मान लो मेरे सामने दो टर्म्स है, देर आर टू टर्म्स, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एवरेज ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ऑफ ए बी। एंड हार्मोनिक मीन क्या होगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर मैं बात करूं थ्री टर्म्स की, अगर आपको तीन टर्म निकालनी है, तो तीन टर्म निकालनी है तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री। अगर मैं बोलूं ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ए बी सी की पावर वन बाय थ्री। एंड अगर हार्मोनिक मीन देखें तो वो क्या होगा, दैट विल बी थ्री ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अगर मान लो यही चीज मुझे दे रखी है, एनथ टर्म्स है, एन टर्म्स है भाई, तो अगर एन टर्म्स हैं, तो यहां से अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करूं, तो मेरा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया,
अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी टिल एनथ टर्म अपॉन एन, जितनी टोटल टर्म्स हैं। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले की बात करूं तो दैट विल बी ए बी सी टिल कहां तक, टी एन एथ टर्म तक, एंड पावर क्या हो जाएगी 1 बाई एन, जितनी टर्म्स हैं। एंड अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वॉट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी टिल 1 बाई टी एन एथ टर्म अपॉन कर दोगे आप एन से, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है तो उस सीरीज में अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ इक्वल सीरीज, इक्वल सीरीज मतलब अगर सारी की सारी टर्म्स सेम है, बराबर है, सारी टर्म्स बराबर है, टू 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 टू, तो उस केस में जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड दैट इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज समझनी है सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो ये समझना है समीशन ऑफ एन। समीशन ऑफ एन मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहां तक, एन एट टर्म तक। अगर आपको समीशन ऑफ एन निकालना है तो वो क्या होता है, एन एन प्लस 1 अपॉन 2। अगर मैं आपसे बोलूं समीशन ऑफ एन स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, अगर आपको सम निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल कहां तक, एन स्क्वायर तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। अगर आपसे मैं बोलूं समीशन ऑफ एन क्यूब, तो एन क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब टिल कहां तक, टिल एन का क्यूब, तो टिल एन का क्यूब करोगे तो क्या होगा, एन एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मान लो क्वेश्चन कभी आपसे कह दे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, मतलब जो स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं उनका सम बताओ, तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लें तो ये आप कैसे निकालोगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वायर। एंड अगर आपसे क्वेश्चन कह दे सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा एन एन प्लस 1 के बराबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आपको भाई एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट। इनफाइनाइट जीपी का मतलब एक ऐसी जीपी जो भाई डिक्रीजिंग जीपी है लेकिन खत्म हो रही है। तो उस केस में अगर आप एस इंफिनिटी निकालना होगा, क्योंकि मान लो एक नंबर आपको दिया हुआ है 20 16, ठीक है, इसी रेशो में चल रहा है और कहां तक, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इंफिनिटी तक अगर जा रहा है तो उस केस में अगर आपको सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आर शुड बी लेस देन 1। इंक्रीजिंग जीपी नहीं होनी चाहिए, डिक्रीजिंग जीपी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। तो ये भाई पूरे पूरे कॉन्सेप्ट थे, किसके कॉन्सेप्ट थे, एपी जीपी। इनकी हेल्प से यू आर इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ एपी जीपी एंड एचपी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है एलजेब्रा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, तो एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को यहां पे समझते हैं, ठीक है। अगर हम एलजेब्रा की स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रहेगी नहीं। तो यहां पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके ऐसे फैक्टर जो इसे पूरा सॉल्व कर दे उन्हें हम बोलते हैं रूट्स, या फिर हम बोल सकते हैं जीरोस, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, और एक होता है जो हमने तरीका पता है दैट इज जनरल मेथड, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रूट्स निकालने का तरीका होता है। अब एक चीज को समझने की कोशिश करना यहां पे, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये हो गया कि जो हमारा नेचर है वो कौन डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है जो रूट के अंदर वैल्यू है। तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम बोल देते हैं डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आपका डी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी का मतलब ये हुआ ऐसे रूट जो आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स बराबर होंगे, सेम वैल्यू होगी। एंड अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसका मतलब रियल रूट्स होंगे एंड दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकाल लो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो आप उसके नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझनी है जो आपको, वो ये है कि इन रूट्स का क्या रिलेशनशिप है और कैसे इन रूट्स का यूज होता है।
तो अगर हम सबसे पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो अभी हमने लिख रखी थी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ सिग्मा ऑफ अल्फा, मतलब एक एक रूट का सबमिशन करना है, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मैंने कहा दोनों रूट आपको एक साथ लेने हैं, सबमिशन अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डैट विल बी इक्वल टू सी बाई, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी मेथड को, इसी तरीके को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें क्यूबिक इक्वेशन पे, तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई जिसमें तीन रूट्स हुए, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये मेरी इक्वेशन है। तो भाई इसके कितने रूट्स होंगे, पावर मैक्सिमम थ्री है तो रूट्स भी थ्री होंगे, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा और एक हो गया गामा। तो अगर मैं बोलूं इनके रूट्स के बारे में, अगर मैं मान लूं समीशन ऑफ अल्फा, मतलब एक एक रूट को मैं प्लस कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अगर मैं समीशन ऑफ अल्फा की बात कर रहा हूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो रूट्स एट अ टाइम लेने हैं, मतलब अल्फा बीटा एक साथ लेने हैं, तो इसमें आपका क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अगर आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों रूट्स एक साथ लेने हैं, विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो आपको यहाँ पे एक बात पता चल गई है, सर एक रूट लेते हैं तो बी आता है, दो लेते हैं सी आता है, तीन लेते हैं तो डी आता है, फिर चार आएगा तो ई आएगा। कन्फ्यूजन जो होगा वो साइन का कन्फ्यूजन होगा कि सर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। तो इसको लर्न करने का तरीका बताया, तो जब भी हम ऑड रूट्स लेते हैं, जैसे मैंने एक एक रूट लिया है तो मेरा साइन माइनस रहा, जब मैं इवन रूट्स ले रहा हूँ, दो रूट्स लिए एट अ टाइम, तो मेरा साइन प्लस रहा, फिर मैंने तीन रूट्स ऑड लिए तो मेरा साइन माइनस हो गया। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। इसी मेथड को अगर मैं इंप्लीमेंट कर दूं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके टोटल होंगे चार रूट्स, अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा, ये मेरे पास चार रूट्स हैं। तो अगर मैंने कहा सम्मिशन ऑफ अल्फा करो, तो सम्मिशन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर मैं आपसे बोलूं सम्मिशन ऑफ अल्फा बीटा बताओ, तो सम्मिशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा लैम्डा प्लस बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा गामा, ठीक है। तो ये मेरे पास छह टाइप में मैं लिख सकता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अगर मैंने बोला सम्मिशन ऑफ थ्री रूट्स एट अ टाइम, मतलब सम्मिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा लैम्डा प्लस अल्फा लैम्डा गामा प्लस बीटा लैम्डा गामा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। एंड अगर मैं चारों रूट एक साथ ले लूँ, अल्फा बीटा गामा लैम्डा, दैट बेसिकली मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दैट इज इक्वल टू ई बाई ए। तो लर्न करने का तरीका वही है, एक रूट लिया तो माइनस, इवन में रूट्स लिए तो साइन प्लस, ऑड में रूट्स लिए माइनस, फिर चारों लिए इवन में तो साइन प्लस का आ गया, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई है, रूट्स का रिलेशनशिप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, वो है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। आपने ये टॉपिक देखा होगा बहुत बार कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और एक आपका होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। भाई दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में 1, 2 से स्टार्ट होगा एंड नॉन नेगेटिव में 0 भी काउंट होगा, क्योंकि भाई 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो जब मैं नॉन नेगेटिव लिखता हूं तो 0, 1, 2 एंड जब मैं पॉजिटिव लिखता हूं तो 1, 2, 3। अब इसको निकालें कैसे, ये देखो, अगर मान लो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, ये मुझे क्वेश्चन दिया और मुझसे बोला हुआ है कि इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एन क्या है यहाँ पे, एन है जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, तो 20 माइनस वन सी आर क्या है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है तो 3 माइनस वन, तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया 19 सी टू। अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है नो नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू है 20, आर की वैल्यू क्या है 3 माइनस वन, सी आर की वैल्यू क्या है 3 माइनस वन, तो कितना आ गया ये,
ये आपका आ गया 22C2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का ये तरीका है। बस ध्यान ये रखना कि सबका जो कोफिशियंट है वो वन होना चाहिए, एक्स वाई जेड का कोफिशियंट वन होना चाहिए। अगर वन नहीं है तो पहले उसे वन बनाओ, फिर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट आप यहां पे कर दो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो जी आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है यहां पे, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। भाई क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, सर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैक्सिमम मिनिमा सबसे पहले हम सीखते हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू की बात करूं तो आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं। भाई हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो सबसे पहले आप चेक करोगे ए का साइन क्या है, ए का साइन, तो अगर ए का साइन ग्रेटर देन जीरो है या फिर ए का साइन नेगेटिव में है, मतलब ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, तो उन केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की और अगर मैं बात करूं मिनिमम की, ठीक है, तो अगर बात करें ए अगर जो है पॉजिटिव है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। एंड अगर मैं बोलूं उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर ए किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। मतलब अगर आपको इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस डी बाई फोर ए निकाल दो, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और डी क्या है, डी है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। एंड अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए। नेक्स्ट चीज, अगर ए लेस देन जीरो है, तो अगर ए लेस देन जीरो है तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी जो ये है, माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो इसकी हेल्प से आप एक सेकेंड में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई सेकंड आता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, और वो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ वॉट, माइनस एक्स प्लस थ्री कॉमा टू प्लस सेवन एक्स, एंड आपसे बोला है फाइंड द। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको फंक्शन या मिनिमम दे रखा है तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड अगर यहाँ पे मैक्सिमम दे रखा है तो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो जब भी आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट दे रखा हो, आपको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना। आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आपको जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज दे रखी हैं उनको बस इक्वेट कर दो, उनको इक्वेट कर दो, मतलब माइनस एक्स प्लस थ्री को आप इक्वेट कर दो किसके, टू प्लस सेवन एक्स के। और जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू वन, और एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई एट। अब इस वन बाई एट को इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, दोनों वैल्यू सेम आएगी और वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देखते हैं, माइनस एक्स प्लस थ्री, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय एट प्लस थ्री, दिस इज 23/8। तो 23/8 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो कभी भी आपको ग्राफ का इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको बस दोनों को इक्वेट कर देना है एंड अपना आंसर एक सेकेंड में निकाल देना है। थर्ड जो इसमें टाइप बन के आता है वो बन के आता है मॉडुलस फंक्शन, कि सर मॉडुलस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मान लो आपको एक मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइनस, और ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है एक्स प्लस टू। ठीक है, अब आपको बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। भाई हमें एक चीज पता है, क्या चीज पता है, कि एक्स प्लस टू अगर मॉड में है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ना ये चीज पता है और मुझे ये बनाना है, तो ये बनाना है तो सबसे पहले भाई माइनस लगा दूं बाहर, तो मैंने यहां माइनस लगा दिया, तो माइनस जब मैंने बाहर लगा दिया तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। एंड अब मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो एडिंग 10 टू बोथ साइड, तो एडिंग 10 टू बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब मैंने ये भाई मेरा इक्वेशन बना लिया है एंड यहां पर मेरा 10 आ गया है, एडिंग बोथ 10 साइड कर दिया, एडिंग 10 कर दिया मैंने बोथ साइड पे, तो मेरा जब ये एक्सप्रेशन बन गया तो इससे मुझे क्या चीज पता चल गई, इससे मुझे पता चल गई कि जो भी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी ये लेस देन 10 होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है 10, एंड मिनिमम टू मिनिमम जितना मिनिमम ये जा सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपने मॉडुलस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली। एक एग्जांपल और इसके ऊपर करते हैं। मान लो आपको एफ एक्स दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है एक्स माइनस 10 और माइनस का आपको दे रखा है 12। आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपको पता है एक्स माइनस 10 की भाई जो मैक्सिमम वैल्यू होती है
भाई ये आपको पता है, ये चीज हमें बाई डिफॉल्ट पता है कि x माइनस टेन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x माइनस टेन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब मुझे ये बनाना है, ये बनाना है तो क्या करूं, एडिंग माइनस ट्वेल्व टू बोथ साइड, तो एडिंग माइनस ट्वेल्व टू बोथ साइड कर दूंगा तो क्या होगा, यहां मैंने माइनस ट्वेल्व कर दिया और यहां मेरा क्या आ गया, माइनस ट्वेल्व आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम माइनस ट्वेल्व तो होगी ही होगी, और इसके ग्रेटर मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू माइनस ट्वेल्व, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी। तो इस तरह से आप किसी भी मॉडुलस फंक्शन का क्या निकाल सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसी में मिनिमम और मैक्सिमम में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एपीजीपी का, या अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे ये समझो। ठीक है, तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपका 9 है, एंड आपको बोला हुआ है फाइंड मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो देखो क्या लगता है आपसे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो हमें ये चीज पढ़ी थी अभी हमने कि अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन इन तीनों नंबर का क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एक्स वाई जेड की पावर 1/3। तो यहां पे अरिथमेटिक मीन मुझे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 9/3 विल बी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड की पावर 1/3। तो इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन एक्स वाई जेड की पावर 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी क्यूबिंग कर दोगे आप, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इज ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। तो आपने क्या कहा, एक्स वाई जेड का अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 27 होगी। ये मैंने इस अप्रोच से किया जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट बता देता हूं। अगर आपको कभी भी सम दिया हुआ है एंड आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी होता है जब सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आर इक्वल। तो सारे नंबर्स अगर आपके इक्वल हैं तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। तो अगर मान लो मेरा सम यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है तो 3 + 3 + 3 इक्वल नंबर्स हो गए, इक्वल टू 9। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 3 × 3 × 3 क्या हो गया, 27 इज द मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं एलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भाई दो चीजें आपको समझनी है, एक होता है फंक्शंस और एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस। भाई फंक्शन के क्वेश्चन कैसे करेंगे जिसमें आइडेंटिटीज का यूज होता है, एंड हाइट एंड डिस्टेंस कैसे करेंगे, तो दोनों के आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूं टू द पॉइंट जो एग्जाम रेलिवेंट है। ठीक है, तो मान लो मैं पहले सबसे पहले बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे पता है सर हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा 90 डिग्री होगा तभी बात बनेगी, और ट्रिग्नोमेट्री भी हम तभी ज्यादा यूज करते हैं जब 90 डिग्री होता है। तो अगर मान लो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और मैंने कहा ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो बॉस ये एंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल। बहुत बढ़िया। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, तो ये एंगल अगर आपका 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। अब यहां पे आपको जो चीज समझनी है, भाई आपने जो बचपन से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है उसमें आप ये निकालते थे इतना डिस्टेंस है, टेन थीटा फिर साइन थीटा फिर ये वैल्यू वो वैल्यू, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट ही एलिमिनेट कर रहा हूं। मैंने कहा मैं पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करूंगा बिना किसी साइन का एस टेन के यूज करे, मैं बिना कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करे सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। तो कैसे करके दिखाता हूं, 30 के अपोजिट अगर आपकी वैल्यू एक्स है तो 90 के अपोजिट वैल्यू आपकी हमेशा 2x होगी, एंड 60 के अपोजिट आपके √3x होगी। इस बात को लर्न कर लो, अगर 30 के अपोजिट कोई डिस्टेंस x है तो 90 के अपोजिट 2x होगा, एंड 60 के अपोजिट जो होगा वो √3x होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 45 के अपोजिट x है तो इस वाले 45 के अपोजिट भी x होगा, भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड बराबर होंगी, एंड 90 के अपोजिट क्या हो जाएगा, √2x, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इस यूज कर इसका यूसेज क्या है, मान लो आपको अभी देख दे रखा है ये हाइट ऑफ टावर है, और इस हाइट टावर क्या दे रखी है, 100 मीटर दे रखा है, आपको बोला हुआ एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, और ये बच्चा जो खड़ा हुआ है ये इस बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो बताओ कि बच्चा कितनी दूर खड़ा है। अब आप अगर अपने ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो 10 30 निकालोगे फिर उसमें ये वैल्यूज पुट करोगे आंसर निकालोगे, नहीं, मैंने कहा अगर 30 का अपोजिट एक्स होता है तो ये एंगल 60 है, 60 का अपोजिट √3x होता है तो √3x की वैल्यू क्या हो गई, 100 √3, खत्म, द एंड ऑफ क्वेश्चन।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक बच्चा है वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, वो पतंग उड़ा रहा है, आपको दे रखी है ये वाली वैल्यू 50 मीटर, एंड आपको बोला हुआ है ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये बताओ जो ये काइट है इसका, ये जो थ्रेड है इसका डिस्टेंस क्या है? आपको मैंने बताया 30 का अपोजिट अगर 50 है, एक्स है, तो 90 का अपोजिट 2x होता है, मतलब 100 मीटर। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा, आपका आंसर 1 सेकेंड में आ गया। मान लो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एक भाई बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, इसका एंगल 45 डिग्री है, एंड भाई आपको दे रखा है यहां से लेके नीचे से ऊपर तक जो आप टॉप देख रहे हो, ये आपका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका 100√2 मीटर है, तो बताओ हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है एंड आप बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हो? तो आपको पता है कि 90 के अपोजिट अगर √2x है, तो ये वाली वैल्यू x होगी और ये भी x होगी, मतलब ये भी 100 मीटर होगा एंड ये भी 100 मीटर होगा। द एंड ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। इतना ही हाइट एंड डिस्टेंस है, सिर्फ मैंने जो आपको दो आइडेंटिटी बताई हैं, 30, 60 और 45, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, एंड इस आइडेंटिटी को यूज करके आप 2 सेकंड में किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकती हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आइडेंटिटीज की। ठीक है, आइडेंटिटीज की बात करता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है। दूसरी आइडेंटिटी हमें क्या पता है, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, एंड अगर ये होता है, इससे मैं क्या एक और आइडेंटिटी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, देखते हैं कैसे बनेगी। तो 1 को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और 1 को मैं फिर यहां से क्या लिखता हूं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने लिख दिया सेक थीटा प्लस 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस 10 थीटा। तो यहां से मेरी एक प्रॉपर्टी और बन के आ गई, वो क्या प्रॉपर्टी बन के आ गई कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा अगर आपको निकालना है, दैट इज इक्वलेंट टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई। अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की बात करूं, जो आपने पढ़ी है, वो है 1 प्लस cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। तो ये अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आपको पता है इससे हम एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 1 इक्वल टू cosec² थीटा माइनस cot² थीटा लिख सकता हूं, सेम करूंगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा cosec θ - cot θ, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, cosec θ + cot θ से। तो ये करने के बाद अगर मैं देखूंगा अब मेरी प्रॉपर्टी क्या बन के आई, तो वो प्रॉपर्टी बन गई cosec θ + cot θ, एंड दिट इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन cosec θ - cot θ। तो ये आपकी भाई प्रॉपर्टी बन के आ गई, जो आपका भाई सारे के सारे एग्जाम्स में काफी ज्यादा यूज होगी। ठीक है, अब यहां पे एक बात को समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की अगर मैं बात करूं, तो हमें पता है 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45, 60 एंड 90, ये हमें दे रखा है। हमें पता है ये साइन थीटा कॉस थीटा 10 थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये मेरी टेबल है। तो अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं, तो सिर्फ मुझे साइन की वैल्यू लर्न करनी है, मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं। कैसे, साइन की वैल्यू होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, एंड साइन 60 इज √3/2, एंड 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब मुझे अगर कॉस निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां √3/2, यहां 1/√2, यहां पे 1/2 एंड यहां पे 0। 10 थीटा मुझे पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0 अपॉन 1 करूंगा तो क्या आएगा, 0। 1/2 अपॉन √3/2 करूंगा तो क्या आएगा, 1/√3, ये आएगा 1, ये आएगा √3 एंड ये आएगा इन्फिनिटी, 1/0 इज इन्फिनिटी। कोसैक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कुछ नहीं करना, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, दिस विल बी √2, दिस विल बी √2√3 एंड दिस विल बी 1। सिमिलरली सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, देन दिस इज √2, देन दिस विल बी 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल इज इन्फिनिटी। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 10 थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, देन ये 1, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज 0। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी लर्न करना सिखा दी है। अब अगली जो चीज आपको समझनी है कि किसी भी एंगल को अगर आपको निकालना है एंड वो एंगल ग्रेटर देन 90 है तो क्या करेंगे। तो ग्रेटर देन 90 है तो आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, किसी भी तरह आप याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब है ऑल, तो अगर आप देखोगे ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव हेयर, मतलब ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है एंड ये वापस यहां पे 360 आ गया। तो 0 से 90 डिग्री क्वाड्रेंट में सारे एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं,
एस से क्या होता है, एस से होता है आपका साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा एंड आपका जो कोसेक थीटा है इसका रेसिप्रोकल जो हो गया, ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टी से क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे के सारे एंगल नेगेटिव होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ सी से, तो सी का मतलब क्या हुआ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे एंगल निकालेंगे कैसे, तो मान लो आपको मैंने बोला कि साइन 120 डिग्री, तो सबसे पहले ये बताओ साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। भाई पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि टेन 320 डिग्री, टेन 320 डिग्री बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। 320 डिग्री फॉल करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो आपने कहा सर टेन 320 जो होगा वो माइनस का होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये बताओ कॉस 290 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। 290 फॉल करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस 290 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एंगल की वैल्यू मतलब अगर आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके से निकल सकती है, या तो आप एंगल को लिख दो 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, या फिर दूसरा तरीका होता है जिसे मैं बोलता हूँ 90 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दो, या 270 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दो। अब अगर आपने इस फॉर्म में चेंज किया 180 प्लस 360, या फिर आपने इस फॉर्म में चेंज किया, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है कि 180 360 के केस में साइन जो होता है वो हमेशा साइन रहता है, ठीक है, कॉस जो होता है वो हमेशा कॉस रहता है, एंड टेन जो होता है वो हमेशा आपका टेन रहता है, ठीक है, पहली चीज। एंड सेकेंड चीज, जो प्लस और माइनस होता है वो डिपेंड करता है ऑन द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल एंगल जो होगा उसके ऊपर आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर आपने 90 और 270 में चेंज किया है तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है किस में, कॉस, एंड कॉस चेंज हो जाता है साइन में। टेन जो है वो चेंज हो जाता है आपका किस में, कॉट, या कॉट चेंज हो जाता है टेन में। एंड सेक की बात करूँ तो सेक चेंज हो जाता है आपका कोसेक में, एंड कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। एंड जो प्लस माइनस साइन होता है वो बिल्कुल सेम डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल एंगल, इस बात को ध्यान रखना। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर मान लो आपको एक एंगल निकालना है साइन 120, ठीक है, अब इस साइन 120 को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। आप साइन 120 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 120, या फिर आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, दोनों चीज लिख सकते हो। तो अगर साइन 180 माइनस 120 लिखा है तो मैंने आपको क्या चीज समझाई है, मैंने आपको समझाई है कि साइन 180 माइनस 120, अगर आप साइन 180 माइनस 60 सॉरी, तो साइन 180 माइनस 60 लिख रहे हो तो साइन हमेशा साइन रहेगा, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि 120 डिग्री जो ओरिजिनल एंगल है वो किस में फॉल करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2, आपका आंसर निकल गया। अगर आपने साइन 90 माइनस 30 लिखा है तो आपको पता है 90 प्लस 30 की फॉर्म में है तो साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में चेंज हो जाएगा, एंड कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस 30 डिग्री। अच्छा प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, साइन डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल एंगल है साइन 120, लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन रहेगा पॉजिटिव, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद भाई आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला और पता होने चाहिए जो आपके भाई एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएंगे, उनको लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी की बात करूं तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो साइन ए माइनस बी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखूं तो वो क्या है, वो है कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉस ए माइनस बी की, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो आपको लर्न करने का तरीका बताता हूँ, साइन जो है वो चला जाता है कॉस के साथ, लेकिन कॉस हमेशा रहता है कॉस के साथ, तो कॉस कॉस साथ रहेंगे, साइन साइन साथ रहेंगे जब कॉस का फॉर्मूला होगा, लेकिन जब साइन का फॉर्मूला होगा तो साइन कॉस के साथ भाग जाएगा और कॉस साइन के साथ भाग जाएगा। अगर मैं बात करूँ टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में क्या, वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करूं तो टेन
ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉट ए प्लस बी की, तो कॉट ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस बी किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस का वन आ जाएगा एंड अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। अब यहां पे एक जो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये चीज आपको समझनी है कि जो आपका मैक्सिमम और मिनिमा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब हुआ कि एक चीज ध्यान रखना कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसकी अगर हम डिस्कशन करें तो क्या चीज निकल के आती है कि जो आपका साइन थीटा है वो ऑलवेज लाई करता है वन से माइनस वन के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आप कर दोगे तो इसकी रेंज क्या होगी, जीरो से वन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरह से अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस थीटा जो है वो लाई करता है आपका माइनस वन से वन के बीच में, तो सेम प्रॉपर्टी कॉस स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वन होगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो होगी। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा की रेंज क्या है, टेन थीटा की रेंज है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसी तरह अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा की रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा जो होता है दैट इज मोर देन वन एंड ग्रेटर लेस देन माइनस वन, मतलब दैट विल बी वन एंड हेयर इट विल बी माइनस वन, ठीक है। एंड अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन, ठीक है। अब यहां से जो प्रॉपर्टी निकल के आती है जिसका एग्जाम में यूसेज होता है वो क्या होता है ये समझो। अगर मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म में, तो इसमें आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी होगी माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं दे रखा है आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल फोर साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा, ठीक है, ये आपको दिया, आपसे मैंने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू बहुत आसान है, क्या होगी वो आपकी हो जाएगी माइनस की, माइनस का आपका आ गया ए स्क्वायर दैट इज फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 25, दैट मीन्स माइनस फाइव, माइनस फाइव इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी फाइव, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने कुछ आइडेंटिटीज है जो मैं आपको बता रहा हूं फटाफट से, वो ये है कि अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस फॉर्म में ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, तो यहां पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे प्लस इंडिकेट करता है मैक्सिमम वैल्यू को और माइनस इंडिकेट करता है मिनिमम वैल्यू को। इसी तरह से अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, तो उस केस में जो आपकी इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी बिल्कुल सेम होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करूं तो अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी टू रूट ए बी, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी हेल्प से आप मेजरली क्वेश्चन कर सकते हो जो ट्रिग्नोमेट्री में आपसे पूछे जाते हैं, किसके ऊपर बेस्ड, मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर, ठीक है। इसके बाद भाई हम फर्दर डिस्कशन करते हैं, एल्जेब्रा का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसमें आपको कुछ चीज और करनी है जो होता है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब हुआ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम एल्जेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की, तो आपको कुछ फॉर्मूला पता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करूं तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि अगर आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ एक्सप्रेशन की बात करूं तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम सबको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो मुझे क्यूब के फॉर्मूले देखने हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड देन ए प्लस बी। एंड इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं, दैट इज ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद अगर मैं क्यूब को इंडिविजुअली देख रहा हूं, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब देख रहा हूं, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड ए माइनस बी अगर आपने यहां लिख दिया तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहां पर आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको समझनी है एलजेब्रा में, वो क्या आइडेंटिटीज है ये समझो। अगर आपको दे रखा है एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को पेन डाउन करो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी के मल्टीप्लाई बाय वॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसके इक्वल होता है ये। अब यहां पे ये चीज समझनी है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो क्वेश्चन में अगर कभी आपको ये आइडेंटिटी दे रखी है तो आप समझ जाना कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या है, वो जीरो के इक्वल है। इसी तरह से एक आइडेंटिटी और समझते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो गिवन है, ठीक है, तो यहां पे एक बात समझ जाना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू जीरो होगा, बी इक्वल टू जीरो होगा एंड सी इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी थी। इसके बाद अगर हम और फर्दर डिस्कशन करें इसी चैप्टर में, तो हमारे एक टॉपिक निकल के आता है सर्ट्स एंड इंडिसेस का, ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। कौन कौन से चैप्टर भाई क्वेश्चंस आते हैं आप देखना, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर का, जिसमें आपको नंबर्स को अरेंज करना होता है, तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा, तो उसको समझते हैं। तो अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझें, तो सबसे पहले अगर मान लो ए की पावर एम है, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन किया तो दिस इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। इसी तरह से अगर मैं सेकंड बात करूं तो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो वन अपॉन ए की पावर एन माइनस एम। अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करूं, ए की पावर एम है और मल्टीप्लाई करा आपने बी की पावर एम को, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए बी की होल पावर एम। देन अगर हम फोर्थ आइडेंटिटी की बात करें, तो दैट इज ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी की होल पावर एम। अब यहां पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है, अगर मान लो ए की पावर एम है प्लस ए की पावर एन है, तो इसमें अगर आपने ए की पावर एम कॉमन ले लो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वन प्लस ए की पावर एन माइनस एम, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड इसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो यहां पे करते हैं कि ए की पावर एम की पावर एन को लोग इक्वेट कर देते हैं ए की पावर एम इंटू एन, जबकि ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू, ए की पावर एम की पावर एन इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 4, बट 2 की पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 4, या फिर आप लिख सकते हो 2 की पावर 12, ठीक है। आपको इसके बाद ये चीज पता है, किसी की पावर अगर 0 हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो इससे हमें भाई दो तीन चीजें हमें समझनी है। यहां पे मान लो रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, तो इसी तरह से 3 रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/3, तो यहां से मेरी क्या प्रॉपर्टी निकल के आई, यहां से मेरी प्रॉपर्टी निकल के आई कि एम की पावर अगर आपकी एक्स है तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 1/m। तो यहां से अगर आप ये देखो, अगर मान लो रूट का रूट है, मतलब एन का रूट एम का रूट एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/mn, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एम का रूट एन का रूट एक्स, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी,
तो इफ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है तो ए विल बी इक्वल टू बी की पावर 1/x, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप बोलो कि 3 की पावर 4 81 होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो 3 की पावर 81 1/4 होता है, या फिर आपने कहा 2 की पावर 5 अगर 32 होता है तो 2 इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं जो काम आएंगे आपके इनफाइनाइट सर्च के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इनफाइनाइट सर्च के क्वेश्चन अगर मैं देखूं, मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √12 + करना आपको √12 + √12 + √12 एंड ये चलता रहेगा इंफिनिटी तक, ठीक है। सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √12 - √12 - √12 - √12, चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे एंड इसको फर्दर सॉल्व करोगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक अप्रोच है, वो क्या कहती है अप्रोच, कि इस 12 को आप को प्राइम में डिवाइड कर दो। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 5 × 4, ठीक। 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, तो आपने इसको को प्राइम में डिवाइड कर दिया, तो 4 × 3 आपने इसको लिख दिया। तो अगर आपका प्लस का साइन बीच में लग रहा है तो आपका आंसर बिगर वैल्यू होगा 4। लेकिन अगर मैं नीचे वाला क्वेश्चन देखूं, यहां पे माइनस है, भाई 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया 4 × 3, एंड अगर माइनस का साइन है तो आपका वैल्यू होगा स्मॉलर वैल्यू, दैट इज 3। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर आपका प्रोडक्ट है, आपका सम नहीं है, √12 × √12 × √12 टिल इंफिनिटी जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 12, ठीक है। आपको इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो नंबर अंदर लिखा है वही आपका आंसर होगा। एंड अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता जो इन्फिनिटी नहीं है, मतलब आपको मान लो ऐसे बोल दिया √2 √2 √2 कितने टाइम्स, आपको बोल दिया 6 टाइम्स है, तो अगर आपका √2 6 टाइम्स आ गया तो आपको क्या करना है, एक बात को समझना, जितनी बार भी रूट हो रहा है उतनी बार आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो उतनी बार 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 64। तो आपका आंसर क्या होगा, जो अंदर वैल्यू है यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे पावर में 64 आ जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से 1 कम हो जाएगा, मतलब 63। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √3 √3 √3 √3 कितने टाइम, 10 टाइम्स दिया हुआ है, तो जितने टाइम्स है उतने टाइम्स आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को आपने 10 बार मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024। तो आपका आंसर क्या होगा, जो अंदर वैल्यू है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड इसकी पावर का डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 की पावर 10, दैट इज 1024 एंड न्यूमरेटर में 1 कम कर दो 1023, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, जितनी मैंने आपको डिटेल में समझाई है, एक एक टॉपिक पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहा है, डिटेल तक एक्सप्लेनेशन दी है, सारे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स आपको समझाए हैं, एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो भाई हेल्पफुल लगी है। भाई अगर आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आया है, एक एक चीज आपने मेरी एंड तक देखी है, तो भाई मुझे इस वीडियो का फीडबैक दे देना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पर। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भाई फॉलो कर लेना, ताकि आपके इंपॉर्टेंट जितने भी जीके अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलते रहें। एंड अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है, ज्योमेट्री का पूरा या फिर अरिथमेटिक का पूरा, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने पूरा रिवीजन आपका कराया है ज्योमेट्री और अरिथमेटिक का, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और शॉर्टकट के साथ। तो वो पूरा वीडियो देख लेना, आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप 100% कॉन्फिडेंट अपने टॉपिक को लेके हो जाओ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको भाई इसका बेनिफिट मिलता रहे। टेक केयर।